हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले के चार्जिंग सेक्शन के अंदर हमने सैमसंग के कुछ मॉडल्स देखे और क्वालकॉम एमटीके बेस के भी कुछ मॉडल्स देखे। आज हम देखने वाले हैं एक आईफोन का डायग्राम जिसमें चार्जिंग सेक्शन किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पे मैंने वीबस लिया हुआ है। जब मैं वीबस टाइप करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे लेके आया है। दोस्तों, इसमें आप वीबस टाइप करोगे तो आपको जो आपका B2B कनेक्टर है वहाँ पे नहीं लेके जाएगा, लेकिन ये चार्जिंग IC पे लेके आएगा, क्योंकि ये लाइन जो एंटर हो रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है PP5V0 USB ऐसा लिखा हुआ है। हालाँकि इसका डायाग्राम जो है वो थोड़ा डल है, यानी कि इसमें आप देखिए ये वाला लाइन है इसका PPV0 USB ये लिखा हुआ है, और ये लाइन जो है ये आ रही है वी बस के अंदर। तो बेसिकली आप वी बस डायरेक्ट सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे आएगा, और उसके बाद आपको ये टाइप करना है क्योंकि यहाँ पे USB से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको हम चेक करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे जा रहा है। हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक हमारा कनेक्टर नहीं आ जाता। तो यहाँ पर ये हमारा जो B2B कनेक्टर है वो आ गया, जिसका नंबर है J1817। तो ये एक B2B कनेक्टर है जिसके अंदर बहुत सारी लाइनिंगें दी गई है, लेकिन हमें जो देखना है वो देखना है USB हमारा जो इन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है PP5V0 USB, यानी कि ये पिन है। यहाँ पे 36 नंबर है, 40 नंबर है, 39 और 42, यानी कि 36, 40, 39 और 42, ये चार पिन हैं जो कि इसमें यहाँ पे वी बस के लिए दी गई है। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ज़रा, ताकि आपको प्रॉपरली इसमें शो हो सके। तो ये वाली जो लाइन है 36, ये 40, ये 39 और ये 42, ये चार लाइनें हैं जहाँ से जो हमारा PP5V0 USB ऐसा लिखा है, और ये लाइन आगे जा रही है। तो ये लाइन कहीं और भी जा रही है, लेकिन पहले हम ये कनेक्टर बना लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये लाइन और कहाँ कहाँ पे जा रही है। तो ये हमने बना लिया यहाँ पे B2B कनेक्टर, जिसके अंदर हमने देखा था कि चार पिनों से जो हमारा वीबस है वो निकल रहा है। इसमें आगे क्या क्या है ये हम बाद में देखते हैं, लेकिन पहले हमने ये बना लेना है। उसके बाद हमने एक दूसरी भी सर्किट बनाई हुई है, जो कि एक IC की सर्किट हमने बनाई है, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या है। फिर तो ये हमने यहाँ पे B2B कनेक्टर बना दिया J1817, उसकी चार पिनों से हमारी जो लाइन है वो निकली। अब ये लाइन कहाँ जाएगी वो हम डायग्राम में देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने डायग्राम ओपन कर दिया। अब यहाँ पे ये दोनों जगह पे लिखा हुआ है, तो दोनों जगह सेम ही होगी। आप क्लिक करोगे तो पहले यहाँ पे से यहाँ पे ही लाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन बेसिकली USB की लाइन है, यानी कि वीबस की लाइन है। उसके बाद हम देखें तो ये वीबस की जो लाइन है वो यहाँ पे जा रही है, जहाँ पे एक TP बना हुआ है और फिर लिखा हुआ है वीबस, यानी कि ये एक TP पे आ रही है ये लाइन। तो हम पहले ये TP बना लेते हैं। इस डायग्राम के अंदर सबसे आएगा हमारा एक TP जिसका नंबर है 2501। तो ये TP पे हमारी लाइन पहुंच गई। उसके बाद हम इसके अंदर बना लेते हैं, यहाँ पे भी हम एक TP बना लेते हैं, TP2501, जो कि हमने यहाँ पे डायग्राम में देखा ये वाला 2501, ये हमारा हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट देते हैं कि ये लाइन और कहाँ पे जा रही है। तो यहाँ पे कुछ लाइनें इस तरह से दिखाई गई है। सैमसंग के अंदर हर सप्लाई जो है वो यहाँ पे दिखाई होती है, तो यहाँ पे ये सब सप्लाई दिखी हुई है। तो इस सप्लाई को सिर्फ आप आइडेंटिफाई यहाँ से कर सकते हो। इसके लिए ये लोग अलग से एक पेज बनाते हैं जिसमें सारी सप्लाइयाँ लिखी होती है कि कौन सी जगह पर आपको कौन सा वोल्टेज कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर दिखे उसका वोल्टेज लिखा हुआ है, 5 वोल्टेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये फिलहाल एक आपको जनरली सप्लाई बताई गई है कि ये सप्लाई इतनी वोल्टेज की है। तो ये हमें देख लिया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे जा रही है, तो यहाँ पे ये सप्लाई आ रही है जो कि
ये सप्लाई जो है यहाँ पे एक आईसी के अंदर आ रही है, U1202, ये मेन पावर आईसी है जिसके अंदर यहाँ पे वी बस की सप्लाई दी गई है। तो ये सप्लाई यहाँ पे आई है और यहाँ पे एक लगा हुआ है रजिस्टर, लेकिन रजिस्टर के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है नो स्टॉप। तो नो स्टॉप का मतलब क्या होता है, यानी कि जैसे हम लोगों ने देखा था कि NC होता है यानी कि नो कनेक्शन होता है, फिर NF लिखा होता है कोई जगह पे कंपोनेंट पे, तो यानी कि नॉट फिटेड है। तो उसी तरह से यहाँ पे आपको आईफोन के डायग्राम आप देखोगे तो वहाँ पे जो कंपोनेंट नहीं होता है वहाँ पे लिखा होता है नो स्टॉप, यानी कि ये कंपोनेंट आपको फिजिकली बोर्ड में देखने को मिलेगा नहीं, यानी कि ये लाइन यहाँ तक तो आएगी लेकिन वी बस की लाइन यहाँ पे जाएगी नहीं, यानी कि मेन पावर आईसी के अंदर जाएगी नहीं, क्योंकि ये लाइन ओपन है। तो यहाँ पे ये लाइन का कोई यूज़ नहीं है, ये कंपनी यूज़ करना चाहती होगी किसी पर्पज से लेकिन उन्होंने किया नहीं है। तो फिलहाल हमें ये कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ तक हमारा वोल्टेज आएगा लेकिन ये आगे कहीं भी जा रहा नहीं है। तो हमें फिर से यही वाला जो लाइन है इसको और जगह सर्च करना है कि ये और कहाँ पे जा रहा है। तो ये और आ रहा है यहाँ पे इस आईसी के अंदर जहाँ पे लिखा हुआ है वी बस, यानी कि ये जो है हमारी ये मेन चार्जिंग आईसी है जिसको टाइग्रिस बोला जाता है। तो ये एक चार्जिंग आईसी है जिसको आईफोन की लैंग्वेज में टाइग्रिस नाम इसका है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे जो है ये तीन कैपेसिटर लगे हुए हैं, लेकिन ये सप्लाई यहाँ पे भी अभी नहीं आ रही है, यहाँ से कहीं और जगह भी जा रही है। तो हम पहले देख लेते हैं कि ये और कौन कौन सी जगह पे जा रही है, तो हम इसको नेक्स्ट देते हैं। तो एक सप्लाई यहाँ पे देखिए ये मॉस्फेट पे आ रही है, यहाँ पे एक मॉस्फेट लगा हुआ है जिसके ड्रेन पे ये सप्लाई दी गई है, और इसका ड्रेन देखो हम तो ये पॉजिटिव की तरफ है, यानी कि एक पी चैनल मॉस्फेट है और इसका गेट जो है वो पॉजिटिव चैनल का ये मॉस्फेट है, यानी कि पी चैनल मॉस्फेट है। तो इसका जो ट्रिगर होगा वो डेफिनेटली नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे एक रजिस्टर लगाकर उसको ग्राउंड कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव ट्रिगर दिया गया है, यानी कि ये ऑलवेज ऑन रहेगा। ये जो आपका जो है जब भी आप चार्जर लगाओगे तो आपका 5 वोल्टेज यहाँ से इन होगा और ये मॉस्फेट में से होके ये सप्लाई जो है आपकी ये 3 स्टार पिन पे जाएगी। लेकिन फिर भी अभी भी यहाँ पे कुछ चीज़ें और देखना बाकी है, तो हम पहले ये सप्लाई अभी और कहीं पे और अगर जा रही है तो ये हम पहले चेक कर लेते हैं। तो ये सप्लाई यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं, और वो 4 कैपेसिटर के बाद की जो लाइन है, क्योंकि ये देखिए हम ऐसे देखा जाए तो जो हमारा ये कनेक्शन है उसके बाद की ये सप्लाई है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि ये जो है हमारा ये B2B कनेक्टर है। तो B2B कनेक्टर में से जो सप्लाई निकली वो बेसिकली यहाँ पे आनी चाहिए और फिर आगे जानी चाहिए, लेकिन इसमें सर्चिंग में आपको आगे पीछे ले जा रहा है। तो ये यहाँ से पहले सप्लाई आएगी, तो पहले हम ये सप्लाई यहाँ पे बना लेते हैं कि इसके अंदर हमने देखा कि यहाँ पे एक TP लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे कुछ सप्लाइयाँ दी गई हैं जो कि एक मॉस्फेट के अंदर दी गई है। पहले हम मॉस्फेट वाला ही बना लेते हैं क्योंकि मैं वो पहले आपको समझा देता हूँ, क्योंकि वही हिसाब से मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो पहले हम यहाँ से वापस जाते हैं, हम मॉस्फेट वाला पहले ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से हम बैक जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये मॉस्फेट के ड्रेन पे ये सप्लाई आ रही है जो कि हमारा वीबस सप्लाई है 5 वोल्टेज का, वो एक ड्रेन पे आ रही है और सोर्स में से ये लाइन निकल रही है। ये लाइन कहाँ जा रही है वो हम बाद में देखते हैं। उसका जो गेट है उसको नेगेटिव ट्रिगर दिया गया है, यानी कि ग्राउंड के साथ एक रजिस्टर 10 किलो का लगाया गया है और इसको ट्रिगरिंग की गई है ग्राउंड से, यानी कि नेगेटिव सप्लाई से। तो ये मॉस्फेट जो है वो ऑन हो जाएगा और यहाँ से जो उसका 5 वोल्टेज आएगा वो यहाँ से बहेगा और यहाँ पे लिखा हुआ है PP 3 स्टार पिन, तो ये जगह पे जाएगा। ये कहाँ जाएगा हम बाद में देखते हैं, पहले हम इतना ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो हमारी सप्लाई है उसमें एक कैपेसिटर लगाकर ये सप्लाई जो गई है वो एक मॉस्फेट के अंदर गई है, उसके ड्रेन पे ये सप्लाई गई है और उसका गेट जो है मैंने जैसे आपको बोला कि एक रजिस्टर लगाकर उसको ग्राउंड किया गया है, और उसका जो सोर्स है वो कहाँ जुड़ा है वो हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ से हम पहले बाहर निकलते हैं, इसके अंदर भी ये सप्लाई हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये एक सप्लाई ले ली, उसके अंदर एक कैपेसिटर लगा दिया और ये हमने मॉस्फेट बना दिया कि जिसका ड्रेन पे ये वोल्टेज मिल रहा है और उसका गेट जो है वो नेगेटिव ट्रिगर से इसको ऑपरेट किया जा रहा है, और इसका सोर्स जो है वो कहाँ जा रहा है वो हम देख लेते हैं। तो ये वाले डायग्राम में हम चलते हैं। तो उसके ड्रेन पे अगर हम सप्लाई देते हैं और गेट से अगर इसको हम ऑपरेट करते हैं तो ये सप्लाई जो है ये सोर्स से, यहाँ पे देखिए ये S लिखा हुआ है, यानी कि ये सोर्स से सप्लाई निकलेगी। ड्रेन से हमेशा मॉस्फेट के अंदर जो सप्लाई आती है वो ड्रेन से आती है और गेट से उसको ऑपरेटिंग कराया जाता है, और ड्रेन इसका जुड़ा हुआ है पॉजिटिव के साथ, और यहाँ पे ये सोर्स पे जो जा रही है ये सोर्स की पिन कहाँ जा रही है
इसको हम देख लेते हैं। तो ये हम वापस से चलते हैं, तो ये जो है ये यहाँ पे आ रही है, उसके अंदर यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है और ये कैपेसिटर लगा कर ये लाइन दी गई है। यहाँ पे लिखा है पी इन, यहाँ पे ये लिखा हुआ है पी इन, और ये जो आईसी है इसका नाम है ट्रीस्टार, ये ट्रीस्टार आईसी है और बेसिकली ये एक पीएमयू आईसी है। ये जिस तरह से हमने सैमसंग के अंदर देखा तो चार्जिंग आईसी के अंदर पीएमयू आईसी लगी रहती थी, जिसका काम क्या होता था एमयू आईसी का, कि एमयू आईसी जो होती है वो बेसिकली यूएसबी स्विचिंग के लिए होती है। यहाँ पे ये यूएसबी स्विचिंग के लिए यहाँ पे आईसी देखिए आप, RXTX, ये क्लॉक वगैरह, DPDN, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये बेसिकली देखा जाए तो इस आईसी के अंदर दो फंक्शन रखे गए हैं। एक फंक्शन रखा गया है यहाँ पे जो कि MUIC का, यानी कि USB स्विचिंग का ये काम करेगी, जो कि आपका जो आपका USB RXTX वाला मोड है या होस्टिंग वाला मोड है, उसको जो यहाँ पे UART लिखा जाता है होस्टिंग मोड को, तो आपको फ्लैशिंग मोड में इसको कनेक्ट करना है या फिर आपको डेटा ट्रांसफर मोड में कनेक्ट करना है, तो ये यहाँ से इसकी ये आईसी जो है वो डिसाइड करेगी। तो इस आईसी के अंदर दिया गया है। दूसरा काम क्या है इस आईसी का, इस आईसी के अंदर एक OVP सर्किट भी रखी गई है, जो कि आपका चार्जिंग का OVP कंट्रोल है, वो OVP यहाँ से कंट्रोल कराएगी। तो ये दो काम इस आईसी के अंदर रखा गया है। और जनरली ये जो आईसी है जिसको ट्रीस्टार आईसी बोलते हैं, इसको आजकल नहीं बल्कि हम हमेशा से इसको लोग U2 के नाम से जानते हैं, और ये U2 आईसी के अंदर चार्जिंग से रिलेटेड खास करके आईफोन के फ़ोन के अंदर इससे प्रॉब्लम आती है। उसकी वजह ये होती है कि ये आपका जो OVP सर्किट है इसका, ये इसके अंदर दिया गया है और इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपका OVP जो है वो काम नहीं करता है और ये इसके रिलेटेड आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ये एक आईसी यहाँ पे दी गई है जो कि U2 आईसी है। तो पहले हम इतना बना लेते हैं और फिर हम आगे का सर्किट समझते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने U2 आईसी बना लिया है जो कि एक ट्रीस्टार आईसी है, जिसके अंदर यहाँ पे एक सप्लाई दी गई है। और अब आगे की सप्लाई कहाँ निकलती है वो हम देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे जो हमारा MOSFET का सोर्स है वो जुड़ा हुआ है यहाँ पे इस आईसी के अंदर, जो एक U2 आईसी यानी कि एक USB स्विचिंग आईसी है, जिसको हम MUIC बोलते हैं। तो ये एक MUIC है और उसके बाद की जो सप्लाई है वो कहाँ जाती है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ से हम डायग्राम के अंदर वापस चलते हैं और हमने देखा कि ये जो हमने सर्च किया था यहाँ पे आए थे, तो हम वापस से यहाँ चलते हैं और ये हमारा जो PP 5 वोल्टेज 0 USB है, तो उसको हम सर्च करते हैं कि ये आगे और कहाँ पे जा रहा है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि उसमें एक तो ये चार कैपेसिटर लगे हुए हैं जो पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद की सप्लाई हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम इसके चार कैपेसिटर बना लेते हैं। तो ये चार कैपेसिटर हमारे हो गए। उसके बाद हमने देखा कि ये सप्लाई आगे और कैपेसिटर में से होके फिर ये जा रही थी। तो पहले हम यहाँ पे ये इसमें भी कैपेसिटर बना लेते हैं। ये चार कैपेसिटर जो है हमारे ये बन गए। अब हम देखते हैं आगे की लाइन। तो इसके लिए हम डायग्राम में वापस आते हैं और हम नेक्स्ट देते हैं। तो ये हमें लेके जा रहा है आगे। यहाँ पे हम ये हमारी जो चार्जिंग आईसी है यहाँ पे ये हमें ले आया। तो यहाँ पे हम देखें तीन कैपेसिटर और लगे हुए हैं, और तीन कैपेसिटर के बाद उसमें तीन नहीं बल्कि दो ही है। ये वाला तो नो स्टॉप है, यानी कि दो ही कैपेसिटर लगे हुए हैं और दो कैपेसिटर के बाद ये लाइन जा रही है वी बस के अंदर। तो ये भी हम बना लेते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें हैं हम आगे पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पे हमारी जो ये सप्लाई है ये हमारी सीधी जा रही है इस आईसी के अंदर, जिसको टाइग्रिस आईसी बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग आईसी। तो ये उसकी चार पाँच पिनों पर कनेक्ट हो रही है, A5 B5 D5 E5 और C5। यहाँ पे हमारा VBUS जो है वो एंटर हो गया। हम डायग्राम के अंदर देख लेते हैं। देखिए A5 B5 D5 C5 और E5, ये पांच पिनों पर हमारा VBUS जो है वो यहाँ से एंटर हो गया। तो अभी तक हमने जो सप्लाई देखी वो तकरीबन सब सेम है। सिर्फ फर्क यहाँ पे कितना आया कि यहाँ पे जो U2 IC यानी कि जो हमने अब तक देखा था कि सैमसंग वगैरह के फ़ोन के अंदर स्विचिंग IC जो है वो चार्जिंग IC के अंदर मर्ज की होती थी, यहाँ पे ये अलग से रखी गई है, जिसको हम U2 IC बोलते हैं। तो ये U2 IC जिसको ट्रीस्टार IC भी बोला जाता है, जो यहाँ पे यूज़ की गई है। उसके बाद यहाँ पे ये लाइन जो है ये चार्जिंग IC यानी कि टाइग्रिस में यहाँ पे VBUS जो है वो हमारा एंटर हो जाता है। तो ये इतनी सर्किट हमने समझ ली। तो
अब हम देखते हैं कि जो हमारी U2IC है वो क्या काम करती है। तो ये बीपस की लाइन तो हमने पकड़ ली, अब हम यहाँ से वापस चलते हैं और हम समझ लेते हैं कि जो हमारी सप्लाई बनती है यानी कि जो OVP बाद की सप्लाई वो किस तरह से होती है उसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ से तो ये वाली जो हमारी सप्लाई है यानी कि ये MOSFET के अंदर एंटर हुई और यहाँ पे लिखा हुआ है PP3* पिन, तो ये सप्लाई यहाँ पे एंटर हो गई है यानी कि ये हमारी जो है U2IC है। तो ये U2IC के अंदर यहाँ पे ये सप्लाई जाती है। तो इसके अंदर जो ये हमारी सप्लाई आ रही है U2IC के अंदर वो किस लिए आ रही है कि जब हमारा VBUS जो है वो बन जाता है तो इस IC के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है PP3* पिन, तो यहाँ से ये सप्लाई जो है हमारी वो एंटर होती है और इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक OVP सर्किट बनी होती है, तो OVP सर्किट के बाद ये जो लाइन है ये यहाँ से बाहर निकलती है जहाँ पे लिखा हुआ है पावर गेट इनेबल। तो ये जो सप्लाई है ये यहाँ से आगे बढ़ेगी और ये सप्लाई हम देखेंगे तो ये कहाँ पे जा रही है, तो इसको हम नेक्स्ट करते हैं। तो ये सप्लाई जो है हमारी ये कहाँ जा, ये देखिए ये इसी IC के अंदर आ रही है यानी कि जो हमारा चार्जिंग IC है वहाँ पे ही ये आ रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है VBUS OVP ऑफ, यानी कि इसमें क्या होगा कि ये IC से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आती है इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं पहले कि हमारा VBUS जो है वो तो डायरेक्टली यहाँ पे एंटर हो जाता है यानी कि OVP का काम यहाँ पे अलग से दिया गया है यानी कि OVP सर्किट जो है वो VBUS की लाइन में होते हुए भी नहीं है क्योंकि ये अलग से इसकी ट्रिगरिंग की गई है। अगर ये अलग से ट्रिगरिंग नहीं होती तो आप इसको बाईपास कर सकते थे यानी कि आपको तो VBUS यहाँ पे पहुँचाना है जो कि वो तो ऐसे भी पहुँच रहा है। अगर आपका U2IC है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो भी आपका VBUS तो यहाँ पे पहुँच जाता है लेकिन आपका जो चार्जिंग है वो जब तक ऑन नहीं होगा जब तक ये ट्रिगर जो है वो आपकी 3*IC है जो इसको नहीं देगा जिसका नाम है VBUS OVP ऑफ। तो अगर आपकी U2IC है उसके अंदर से ये ट्रिगर नहीं मिलता है तो आपका जो ये IC है ये आपका VBUS का OVP ऑफ है यानी कि आपका ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन जो है वो हट गया है ऐसा समझकर आपका चार्जिंग जो है वो बंद करा देती है यानी कि U2 से जो प्रॉब्लम आती है वो इस वजह से आती है कि उसका जो 3* का जो ट्रिगर निकलता है वो ट्रिगर यहाँ पे VBUS के अंदर दिया जाता है और अगर ये ट्रिगर नहीं मिलेगा तो ऐसी कंडीशन में आपका चार्जिंग जो है वो ऑफ हो जाएगा यानी कि VBUS OVP ऑफ, यानी कि यहाँ पे VBUS नहीं मिल रहा है, OVP सर्किट आपकी काम नहीं कर रही है इसलिए आपका जो चार्जिंग है उसको ऑफ करा दिया जाता है। तो ये लाइन जो है वो मिलना ज़रूरी है। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है U2 के अंदर वो यहाँ से आती है और इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पे एक आपको ट्रिगर भी मिलता है जिसको हम देख लेते हैं कि ये लाइन और कहाँ पे जा रही है। तो देखिए यहाँ पे एक TP रखा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है PP1722, तो ये ट्रिगर है उसको आप चेक करके भी ये पता लगा सकते हो कि ये आपका जो इनेबल सिग्नल है वो आ रहा है या नहीं, क्योंकि ये पावर गेट इनेबल सिग्नल है जो कि इसके ऊपर कोई वोल्टेज नहीं होता है लेकिन इसको हम चेक करना हो तो हम यहाँ पे अपने जो इंफिडेंस चेक कर सकते हैं यानी कि अवरोध चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जनरल कंडीशन में 500 से 600 ओम्स का अवरोध मिलेगा जैसे हम लोगों ने BQ वगैरह में चेकिंग किया था सेम वैसा ही चेकिंग है। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो अवरोध मिलेगा यानी कि जो रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे मिलेगा अब डायोड की रेंज पे आप चेक करोगे या ओम्स की रेंज पे चेक करोगे तो 500 से 600 ओम्स का रेजिस्टेंस मिलेगा और जब आप इसको चार्जर यहाँ पे जब लगाओगे तो ये लॉजिक लो हो जाएगा। तो ये लॉजिक लो अगर होता है तो आपका जो ये IC है उसका ट्रिगरिंग सही से हो रहा है यानी U2 में प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं और जगह चेक कर सकते हो। तो ये इसको चेक करने के लिए यहाँ पे एक TP दिया गया है। हालांकि ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता है, उनको ये पता है कि चार्जिंग का प्रॉब्लम है तो U2 चेंज कर दो और U2 से प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आती है, ये बात भी सही है, तो बदलने से उनका काम हो जाता है लेकिन कई बार कई और प्रॉब्लम होती है तो फिर वो ढूंढते रह जाते हैं, उनको पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली इसमें होता क्या है। तो ये जो पावर गेट इनेबल का सिग्नल है जो कि वहाँ पे मिलना ज़रूरी है जो कि हमारी मेन IC को मिल रहा है यानी कि चार्जिंग, अगर ये सप्लाई अगर यहाँ पे नहीं मिलती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो आपका चार्जिंग है वो डिसेबल हो जाता है और आपकी जो सर्किट है उसका चार्जिंग रुक जाता है। तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को यहाँ पे मिल सकती है जो U2 से आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है। अब इसको हम बना लेते हैं पहले इसके अंदर डायग्राम के अंदर और फिर हम जो है आगे की सप्लाई देखते हैं। तो यहाँ पे U2IC के अंदर से पावर गेट इनेबल का एक सिग्नल मिलता है जो D6 नंबर की पिन से निकलता है, उसके अंदर एक रखा गया है TP और TP के बाद ये लाइन जा रही है 3*PMU OVP स्विचिंग इनेबल लाइन। तो
तो ये वी बस ओईपी ऑफ की जो लाइन है जो ट्री स्टार यानी कि आपके यू2 में से निकलती है और आपका जो ये टाइग्रिस आईसी है यानी कि जो आपका चार्जिंग आईसी है उसको दिया जाता है, तो इस तरह से जो आपका चार्जिंग है वो इनेबल होता है यहाँ से, यानी कि आपका वी बस अगर यहाँ पे कम्प्लीटली मिल रहा है, आपका जो भी सर्किट है वो बाकी का सारा पूरा का पूरा है, लेकिन ये वाला सिग्नल अगर नहीं मिलता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपका प्रॉब्लम जो है वो चार्जिंग का शो करता है, क्योंकि इसकी लाइन जो है वो चार्जिंग के मेन वी बस लाइन से दी गई है। ये बाकी के कंपोनेंट बाद में आते हैं, सबसे पहली लाइन जो दी गई है वो यहाँ से डायरेक्ट दी गई है जो कि यहाँ पे U2 IC के अंदर दी गई है। तो ये अगर आपका यहाँ पे MOSFET में कोई गड़बड़ हुआ या आपका, हालांकि MOSFET में ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं आती है, जो प्रॉब्लम आती है वो U2 से आती है और इससे प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है कि U2 आप चेंज करो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब इसको हम ये वाले सर्किट के अंदर भी बना लेते हैं, तो यहाँ पे हमने ये U2 के अंदर ऑलरेडी बना लिया है, उसके बाद ये सप्लाई मैंने यहाँ पे पहले बना ली है, इसका सप्लाई शायद भूल गया मैं बनाना, तो पहले इसको सप्लाई को समझ लेते हैं, जब वो सप्लाई आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे हमारा जो इनेबल सॉरी ये हमने नहीं बनाया था ना पहले, तो इसको बनाना पहले ही था, बराबर है, सही है। तो यहाँ पे ये सप्लाई हमारी पूरी मिल गई वी बस के अंदर, वी बस जो है हमारा वो यहाँ पे 5 पिनों पे 1 2 3 4 5 जो कि A5 B5 C5 D5 और E5 ये 5 पिनों पे हमारा वी बस एंटर हो गया था, तो ये सही है। उसके बाद ये पावर गेट का सिग्नल है जो U2 में से निकलेगा और ये जाएगा आपकी IC के अंदर, उसके पहले यहाँ पे एक लगा हुआ है TP और TP के बाद ये सप्लाई जाएगी F4 पिन पे जो कि इसी IC के अंदर जाएगी। अगर आप इस IC को निकालोगे तो उसकी नीचे की पिन आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगी और ये वाली सप्लाई जो है आपकी यहाँ से आती है, तो अगर ये अगर प्रॉब्लम हो तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद की सप्लाई हम देख लेते हैं कि इसके बाद की सप्लाई हमें कौन सी देखनी है। तो दोस्तों जैसे हम लोगों ने और चार्जिंग सेक्शन देखे उसमें हमने देखा कि जो वी बस हमारा जब एंटर होता है तो सबसे पहली जो सप्लाई बनती है वो हमारी वो PMID की बनती है। देखिए यहाँ पे यही PMID वर्ड्स वापस आ गया जो कि सैमसंग के अंदर VMID या ऐसे कुछ नाम थे, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा जो रेगुलर वर्ड है PMID वो यहाँ पे आ गया। तो PMID के अंदर से यहाँ पे देखिए तो 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं लेकिन उसमें एक नॉन स्टॉप है, यानी कि एक कैपेसिटर जो है वो फिटेड नहीं है, 3 कैपेसिटर यहाँ पे फिटेड है जिसको बोला जाता है PMID कैप। तो ये 3 PMID कैप जो है यहाँ पे लगे हुए हैं जो कि 4.2 माइक्रोफेराडे के 2 है और एक 100 PF का है। तो ये 1407 1409 और 1453 ये 3 कैपेसिटर यहाँ पे PMID पे लगाए गए हैं। तो पहले हम इसको बना लेते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी PMID की सप्लाई है उसके अंदर 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं जो हमारा निकल रहा है पिन F5 से, जिसके अंदर 3 कैपेसिटर लगा दिए हैं। तो यहाँ पे इसका काम हो गया ख़त्म। इसके बाद यहाँ पे भी हम देख लेते हैं ये वाली IC के अंदर F5 से जो हमारी सप्लाई निकलती है उसके अंदर यहाँ पे 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो ये 3 कैपेसिटर यहाँ पे लगा दिए हमने, तो ये हमारा PMID का लाइन जो है वो ओके हो गया। अब हम देखते हैं आगे की सप्लाई। तो सेम टू सेम जैसे हमने और चार्जिंग सेक्शन देखे हैं कि वी बस एंटर हुआ, PMID बना, फिर बनती है हमारी स्विचिंग सप्लाई जिसको सैमसंग के फ़ोन के अंदर LX बोला जाता था, यहाँ पे वापस से फिर वही नाम आ गया बक स्विचिंग। देखिए क्योंकि यहाँ पे एक बक कॉइल लगी होती है और ये स्विचिंग बनी हुई है, तो अगर आप आईफोन में भी देखोगे तो सेम टू सेम कंडीशन है। यहाँ पे बक स्विचिंग आपका A4 B4 D4 C4 ये 4 पिन पे आपका बक सप्लाई बन रहा है जो कि आपका स्विचिंग वोल्टेज बनेगा और ये स्विचिंग वोल्टेज आगे जाएगा। यहाँ से एक लगा हुआ है बूट कैपेसिटर जिसका नाम दिया गया है चार्जिंग बूट यहाँ पे, और ये चार्जिंग बूट कैपेसिटर में से होकर ये लाइन G5 नंबर पे आती है और यही लाइन आगे जा रही है जो एक बक कॉइल के अंदर जा रही है, और आगे कहाँ जा रही है वो हम बाद में देखते हैं, पहले इतना हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा वी बस एंटर हो गया, यहाँ पे हमारा जो ट्री स्टार का जो सिग्नल मिलना था वो हमें मिल गया, उसके बाद हमारी PMID बन गई, PMID के बाद जो हमारी सप्लाई बनती है वो स्विचिंग सप्लाई बनती है, यहाँ पे नाम है इसका बक स्विचिंग। तो बक स्विचिंग जो है वो A4 B4 C4 D4 ये 4 पिने हैं जहाँ पे हमारी ये स्विचिंग सप्लाई बन रही है, और ये सप्लाई के अंदर हमने देखा कि एक लगा हुआ था बूट कैपेसिटर और ये बूट कैपेसिटर की जो लाइन है वो वापस दी गई है इसी IC के अंदर G5 नंबर की पिन पे, और ये सप्लाई में आगे लगाया गया था एक बक कॉइल, और बक कॉइल के बाद क्या सप्लाई है वो हम आगे देखते हैं। पहले हम यहाँ पे भी बना लेते हैं, यहाँ पे हमारा A4 B4 C4 और D4 ये 4 पिन से हमारी स्विचिंग सप्लाई जो है वो निकल रही है जो कि बक स्विचिंग सप्लाई है। उसके अंदर हमने देखा कि एक लगा हुआ है बूट कैपेसिटर और बूट कैपेसिटर में से वो लाइन गई है G5 नंबर पे, यानी कि जो कॉर्नर वाला लास्ट वाला पॉइंट है वहाँ पे,
उसके अंदर लगा हुआ है एक बक कॉइल। इतनी सप्लाई हमने समझ ली, क्योंकि अब तक जितना हमने देखा है वो सब सेम टू सेम है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा खींच नहीं रहा हूँ, आपको बता नहीं रहा हूँ, सब जगह पे सेम टू सेम होगा। आपका वी बस में 5 वोल्टेज इन होगा, जो आपको PMID पे मिलेगा वो भी आपका 5 वोल्टेज होगा। यहाँ पे स्विचिंग सप्लाई के अंदर भी आपका जो सप्लाई बनेगा वो सेम टू सेम बनेगा, यानी कि यहाँ पे आपको 3.6 से लेके 4.2 तक का वैल्यू मिलेगा, जैसी हमारी बैटरी की कंडीशन है। अगर आपकी हमारी बैटरी 4.2 है तो यहाँ से 4.3 निकलेगा, सपोज फॉर एग्जाम्पल 4.1 है तो यहाँ से 4.2 निकलेगा, यानी कि जो हमारी बैटरी का वोल्टेज होगा उससे 0.1 वोल्टेज ज़्यादा। जो सिस्टम बाकी फ़ोन में है वही आईफोन में है, आईफोन में कोई अलग से सर्किट नहीं होती है, सेम टू सेम सप्लाई होती है। अब हम देखते हैं कि ये सप्लाई आगे कहाँ जा रही है, तो ये बक कोयल के अंदर से ये सप्लाई जा रही है यहाँ पे ऊपर, तो ऊपर हम देखते हैं यहाँ पे तो इस सप्लाई के अंदर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये 4 कैपेसिटर लगे हैं, और फिर ये सप्लाई जो है ये जा रही है PPVCC मेन, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो PPVCC मेन का मतलब होता है हमारी VPH सप्लाई, जैसे हम लोगों ने दूसरे फ़ोन के अंदर देखा कि जो VPH सप्लाई हमारी बनती है, यानी कि जो यहाँ से सप्लाई बनती है ये पूरे फ़ोन के लोड पे जाती है, जिसको हम बोलते हैं VPH सप्लाई। जहाँ पे आईफोन के अंदर आपको ये नाम देखने को मिलेगा PPVCC मेन, इसका मतलब होता है ये VPH सप्लाई है जो 4 कैपेसिटर में से होकर यहाँ पे जाएगी, और उसी में से ये लाइन वापस भी आ रही है जिसके अंदर 2 कैपेसिटर और लगे हैं, और ये लाइन जो है आ रही है VDD मेन बन के, यानी कि जो आपको चार्जिंग कराने के लिए वोल्टेज वापस इस IC को दिए जाते हैं, यानी कि सेम टू सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो हमने देखा कि एक BQ सीरीज़ का IC देख लो आप, या आप आईफोन का IC देख लो, फंक्शन सब में सेम टू सेम है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ से जो हमारी बहरहाल सप्लाई निकली, वो सप्लाई एक गई हमारी PPVCC मेन के लिए, यानी कि VPH पावर बना, और एक लाइन इसके अंदर वापस आई जिसका नाम दे दिया गया यहाँ पे VDD मेन, जो कि हमारा सिस्टम वोल्टेज बन के वापस आता है। तो यही वाली सप्लाई है, तो पहले हम इसको बना लेते हैं फिर बाद में हम समझते हैं। तो यहाँ पे हम जो ये हमारी बक कॉइल है उसमें से जो सप्लाई निकलती है उसके अंदर हमने देखा कि यहाँ पे कुछ कैपेसिटर लगे हैं, तो यहाँ पे ये 4 कैपेसिटर लगे हैं, और ये PPVCC मेन के लिए ये लाइन चली गई। तो यही लाइन हम वो वाले डायग्राम में भी बना लेते हैं। यहाँ से जो हमारी स्विचिंग सप्लाई निकली, यानी कि बक कॉइल के अंदर से, वो यहाँ के अंदर एक कैपेसिटर लगा है और दूसरा, और ये लाइन जो गई है ये VDD मेन में गई है, पहले यहाँ पे ये दिखा दी है, और उसके बाद ये लाइन जो है उसमें कुछ कैपेसिटर और लगे हैं, और फिर बाद में ये लाइन जो गई है ये PPVCC मेन में गई है, और इसी में से एक लाइन दी गई है जो A2, B2, C2, D2 ये 4 पॉइंट पे गई है, जो कि हमारा VDD मेन है। तो यहाँ पे ये पहले बना दी है, तो ये आपको समझ लेना है, और इसके अंदर हम ये बाद में बना लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो लाइन है हमारी, ये इसके अंदर 1, 2 कैपेसिटर लगा के ये VDD मेन के अंदर हमने दे दिया। अब इसको मैं डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ वापस फिर से। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ से जो हमारी लाइन निकली थी उसमें 4 कैपेसिटर लगा कर ये लाइन दी गई थी PPVCC मेन में, यानी कि हमारा VPH सप्लाई, और इसमें 2 कैपेसिटर और लगा कर ये लाइन वापस गई है जो A2, B2, D2, C2 ये 4 लाइन के अंदर दिया गया है, जो कि यहाँ पे VDD मेन यानी कि सिस्टम वोल्टेज जिसे हम बोला करते थे, वही सिस्टम वोल्टेज यहाँ पे वापस आया, जो कि चार्जिंग के लिए जो चार्जिंग हमारे बनेगा वो VBAT पे जाएगा। लेकिन इसमें कुछ और भी सर्किट है जो हमें समझना ज़रूरी है, जो यहाँ पे है, लेकिन पहले हम इसको बना लेते हैं, और इसमें और सप्लाई कौन सी बनती है वो हम पहले देख लेते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं कि जो हमारा VDD मेन जो यहाँ पे एंटर हुआ है वो VBAT बन के यहाँ से बाहर निकलेगा, यानी कि VBAT के लिए A1, B1, D1 और C1 ये 4 पिनें यहाँ पे दी गई है, जिसके अंदर से हमारा जो VBAT है वो बनाने के लिए, वो चार्जिंग के लिए यहाँ पे निकाला गया है, जिसके अंदर हम देखें तो 1, 2, 3 कैपेसिटर लगे हैं, और ये पिन जो है हमारी जा रही है PPVBAT VCC, यानी कि ये आपका बैटरी के लिए जाएगा। ये PPVBAT VCC है और ये PPVCC मेन है, यानी कि ये VPH पावर है और ये आपका VBAT पावर है। तो ये इतना आपको समझना है कि यहाँ से जो बैटरी का लाइन निकलेगा उसमें 3 कैपेसिटर रखे हैं, और कुछ लाइनें इसकी यहाँ पे इस MOSFET के अंदर जा रही है, लेकिन ये फंक्शन को हम बाद में समझते हैं। पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि ये बन गई लाइन हमारी PPVDT VCC, यानी कि ये VBAT सप्लाई बन गई, और ये वाली सप्लाई है जो ये VPH सप्लाई बन गई, दोनों के बीच में यहाँ पे रखा है एक MOSFET। इसका फंक्शन क्या है ये हम आगे समझते हैं, पहले हम VBAT वाली लाइन बना लेते हैं। तो VBAT की जो हमारी लाइन है वो 1, 2, 3, 4 पिनों में से हमारा VBAT निकला, उसके अंदर हमने देखा कि कैपेसिटर लगे हुए हैं 3, और ये कैपेसिटर के बाद ये गई लाइन पी पी वी बी
वी बैट वी सी सी यानी कि वी बैट पे गई और दूसरी जो सप्लाई है हमारी वो कैसे बनी वो उसको हम समझ लेते हैं। तो ये पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं इसको कि इसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे ए वन बी वन सी वन डी वन ये चार पिनों से हमारी वी बैट सप्लाई निकली जो कि बैटरी के लिए जाएगी जिसके अंदर कैपेसिटर लगे हुए हैं तीन और फिर बाद में ये लाइन जा रही है पी पी वी बैट वी सी सी यानी कि बैटरी पे ये जो कि है हमारी ये वी बैट की लाइन है। तो इतना हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे ये जो मॉसफेट है वो क्या कर रहा है। तो इस मॉसफेट को हम पहले समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये मॉसफेट जो लगा हुआ है ये आपकी वी पी एच लाइन और वी बैट लाइन इस दोनों के बीच में ये मॉसफेट को रखा गया है। यानी कि हम देखें तो ये हो गया हमारा डी सी टू डी सी मॉसफेट यानी कि जो डी सी टू डी सी मॉसफेट हम लोग इस आईसी के अंदर यहाँ पे देख रहे थे यानी कि जब हमारी वीबेट जो इन होती है यानी कि सिस्टम वोल्टेज जो हमारा इन होता है वो वीबेट में से निकलता है और वहाँ पे लगा होता है एक मॉसफेट। तो यहाँ पे ये मॉसफेट को इस आईसी में यूज़ ना करते हुए यहाँ पे इसको बाहर यूज़ किया गया है। तो ये मॉसफेट जो है वो किस तरह से काम करेगा तो उसको हम पहले समझ लेते हैं। थोड़ा मैं इसको आपको ड्रॉ करके बताऊँगा तो आपको क्या है ईजिली समझ में आएगा। तो इसको मैं थोड़ा तो यहाँ से जो ये हमारी सप्लाई निकली है ये स्विचिंग सप्लाई निकली है हमारी और ये पी पी वी सी सी मेन में जा रही है। तो थोड़ा मैं और बड़ा करता हूँ। ये जो हमारी सप्लाई निकली है ये पी पी वी सी सी मेन में निकली है और ये वाली सप्लाई है जो हमारी बैटरी में से आई है। अब होता क्या है दोस्तों इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि जब हमारा चार्जिंग हम लगाते हैं तो चार्जिंग का जो हमारा सप्लाई बनता है वो यहाँ पे आता है यानी कि यहाँ पे आपको 3.6 सपोज वोल्टेज यहाँ पे मिलता है तो आपका बैटरी का वोल्टेज होगा वो कितना होगा 3.5 होगा क्योंकि आपका बैटरी से 0.1 वोल्टेज यहाँ पे ज़्यादा निकलेगा यानी कि यहाँ पे 3.5 है तो यहाँ पे 3.6 निकलेगा। अगर यहाँ पे 3.6 है तो यहाँ पे 3.7 निकलेगा यानी कि 0.1 वोल्टेज यहाँ पे ज़्यादा निकलेगा चार्जिंग की लाइन पे हमेशा क्योंकि चार्जिंग कराने के लिए आपकी बैटरी को 0.1 वोल्टेज ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है तो ही आपका बैटरी चार्ज होता है। ये सब चीज़ें हम बेसिक में पहले देख चुके हैं तो ये एकदम नॉर्मल चीज़ है। अब होता क्या है यहाँ पे दोस्तों कि जब हमारा चार्जिंग इनेबल होता है यानी जब हमने चार्जर लगाया होता है तो यहाँ से हमारी सप्लाई जो है वो निकलना शुरू हो जाती है और ये पूरे वोल्टेज जो है यहाँ पे वो पूरे फोन के जहाँ पे जितने जितनी सप्लाई है वो सब जगह पे यहाँ से आपको सप्लाई जाती हुई देखेगी। तो यानी कि ये हमारे पूरे फ़ोन का लोड है। जब हमारा फ़ोन चार्जिंग में लगा होता है तो यहाँ से जो हमारा वोल्टेज निकल रहा होता है जो पूरे फ़ोन के बोर्ड पे जा रहा है यानी कि ये वोल्टेज फोन पावर हो गया एक तरह से। तो ये पूरा वोल्टेज जो है पूरे फ़ोन के अंदर जितने भी फंक्शन काम कर रहे हैं उसको यहाँ से जाएगा। उस टाइम पे जो है आपका डायोड की कंडीशन क्या होगी। यहाँ पे जो डायोड लगा हुआ है वो इस तरह से लगा हुआ है। मैं इसको आपको थोड़ा ड्रॉ करके बताता हूँ। कोशिश करता हूँ कि ये सही से बने। तो यहाँ पे जो डायोड लगा हुआ है वो आपका इस कंडीशन में लगा हुआ है। यानी कि डायोड का जो पॉजिटिव है वो यहाँ लगा हुआ है, ये वाला जो है वो नेगेटिव है। तो यानी कि इसके मॉसफेट के अंदर जो इसका नेगेटिव ट्रिगर है वो यहाँ से इस आईसी में से दिया गया है। उसके बारे में बाद में समझाता हूँ आपको। पहले जब यहाँ पे हमारा 3.6 वोल्टेज है तो यहाँ पे 3.5 है तो ये इसके लिए रिवर्स बायस बनेगा यानी कि वोल्टेज जो है वो हमारा पूरा फोन पे यहाँ से जाएगा। ये डायोड जो है रिवर्स बायस में काम करेगा और आपका जो सप्लाई है वो यहाँ से यहाँ पास नहीं होगा, ये सप्लाई सिर्फ फोन पे जाएगी। लेकिन जब आप चार्जर निकाल देते हो तो यहाँ का वोल्टेज हो जाता है ज़ीरो क्योंकि चार्जिंग का जो वोल्टेज है वो निकलना बंद हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ का जो आप चार्जर निकाल लेते हो तो ये आईसी जो है इसको ट्रिगर कराती है, इसके गेट को ट्रिगर कराती है और ये डायोड जो है वो यहाँ से फॉरवर्ड बायस में काम करना शुरू कर देता है और ये आपकी सप्लाई जो है ये फोन पे जाना शुरू कर देती है। यानी कि सेम टू सेम जैसा हमने डीसी के अंदर देखा कि डीसी टू डीसी मॉसफेट जो है वो हमारा दोनों तरफ से काम करता है। यानी कि चार्जिंग के लिए काम करना होता है तब वो चार्जिंग के लिए करता है, अदरवाइज आपको अगर उसके अंदर सपोज आप बैटरी के मोड में आपको यूज़ कर रहे हो तो जो आपकी बैटरी की सप्लाई है वही सप्लाई जो है आपकी यहाँ से जाएगी। यानी कि इस आईसी के अंदर इसका कोई रोल रहेगा नहीं, ये वापस से यहाँ नहीं जाएगी। बाकी सब फ़ोन के अंदर क्या होता था,
ये जो हमारी बैटरी की सप्लाई है वो इस आईसी में जाती थी, और इस आईसी में से जाने के बाद ये सप्लाई जो है ये हमारी, देखिए ये कैसे चलती थी कि हमारा वीबैट सप्लाई हो यहाँ से एंटर होता था, और इसके बाद ये सप्लाई हमारी वीडीडी मेन तक जाती थी, और वीडीडी मेन से ये सप्लाई जो है हमारी वो सप्लाई यहाँ पे आती थी, यानी कि जो वीपीएच पावर बन के जाती थी, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली एक लगा होता था मॉस्फेट, लेकिन यहाँ पे ये मॉस्फेट जो है वो यहाँ पे बाहर ही लगा दिया गया है, यानी कि जो आपकी सप्लाई आएगी वो यहाँ से जाएगी जब आपकी बैटरी लगी होगी तब। तो बैटरी में से ये सप्लाई इस आईसी में से होके यहाँ पे जाएगी, और ये आपका फोन पावर, वोल्टेज फोन पावर जो है वो यहाँ पे बन जाएगा, और जब आप चार्जर लगाओगे तब ये वाली जो सप्लाई है वो यहाँ से हट जाएगी, और ये सप्लाई आपकी जो यहाँ से चार्जिंग का निकलेगा, यानी कि जो आपकी बक स्विचिंग सप्लाई निकलेगी वो वोल्टेज यहाँ से आएगा, वो यहाँ से होते हुए यहाँ जाएगा, और ये आपके वोल्टेज फोन पावर पे, यानी कि पूरे फोन पे आपका पावर जाएगा। जब आपकी बैटरी नहीं लगी है तब ये चार्जिंग मोड पे काम करेगा, और जब आपका चार्जिंग हट जाएगा तब ये वाला बैटरी मोड पे काम करेगा। तो इस तरह से ये दोनों फंक्शन है वो इसके अंदर करेंगे काम, लेकिन ये एक यहाँ पे बाहर जो मॉस्फेट रखा हुआ है उस पे होगा, और ये मॉस्फेट जो होता है वो बेसिकली आपको एक 9 लेग की आईसी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर यहाँ पे जो 4-5 लेग है वो 1, 2, 3, 4 और 5 जो कहे A2, A3, B1, B2 और B3, ये पिन जो है आपकी VCC मेन लाइन से जुड़े होते हैं, और 3 लाइन जो है आपकी ये जुड़ी होती है आपका बैटरी से, यानी कि आपका जो बैटरी का सप्लाई होता है यानी कि वीबैट सप्लाई जो होती है वो 3 पिन पे दी जाती है, और एक होता है इसका गेट। अगर इसके गेट को हम देखें तो इसका गेट जो है वो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है जो कि नॉन स्टॉप है, जिसका यूज़ नहीं किया गया है, और ये सप्लाई जो है आपकी जाती है चार्ज एक्टिवेशन डायोड, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिवेशन डायोड। तो ये एक्टिवेशन डायोड की सप्लाई जो है वो यहाँ पे बनती है, जिसको बोला जाता है चार्ज एक्टिवेशन डायोड, जो सप्लाई यहाँ से इसका ट्रिगरिंग किया जाता है, जो कि आपके चार्जिंग मोड के अंदर इस सप्लाई को यहाँ से हटा दिया जाता है, यानी कि चार्जिंग मोड में ये गेट काम नहीं करता है, जब आपका चार्जिंग नहीं होता है तब ये गेट जो है ये डायोड को ऑन करा देता है, यानी कि जो आपकी सप्लाई हो यहाँ से बहना शुरू कर देती है, और आपके PPVCC मेन पे यानी कि VPH सप्लाई पे बनती है। अब इसको लेकर प्रॉब्लम क्या आती है उसको थोड़ा समझ ले, कि अगर पहली चीज़ तो ये कि अगर ये आपका IC जो है अगर ये ख़राब होता है, हालांकि इसको रिलेटेड बहुत कम प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन ये जो 9 लेग का IC है अगर ये ख़राब हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जब आप चार्जर लगाओगे तो आपकी बक सप्लाई बनेगी, आपकी बक सप्लाई बनेगी तो आपका चार्जिंग होगा, यानी कि यहाँ से जो आपकी सप्लाई है वो VPH पावर पे जाएगी, आपका फ़ोन कम्प्लीटली ऑन करेगा। लेकिन बैटरी मोड पे क्योंकि ये मॉस्फेट जो है आपका ख़राब हो चुका है तो आपकी सप्लाई यहाँ तक जाएगी लेकिन इससे आगे बढ़ेगी नहीं, यानी कि आप जैसे ही चार्जर लगा दोगे तो फ़ोन बंद हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम आपको इस आईसी से रिलेटेड देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज़ मैंने जो आपको बोला, मैंने ये आईफोन 6 के अंदर ये वाला प्रॉब्लम जो है 2-4 बार सॉल्व किए हैं, उसके अंदर ये सिर्फ आईफोन में नहीं, हर अपना जितना भी एंड्रॉयड वगैरह है, सैमसंग वगैरह है, उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कि जनरली क्या होता है कि बहुत से लोगों को ये होता है कि अगर शॉर्टिंग होता है तो उसको चेक कैसे करना है, तो जनरली क्या होता है कि इस फ़ोन के अंदर या किसी भी फ़ोन के अंदर जो हमारा VPH लाइन है वो जब यहाँ पे शॉर्ट होता है, यानी कि यहाँ पे ये VPH लाइन है जो हमारी, सपोज़ मान लो कि यहाँ पे कोई कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये बता देता हूँ आपको, यहाँ पे एक हमने लगा दिया है यहाँ पे कैपेसिटर, अगर ये कैपेसिटर यहाँ पे शॉर्ट हो जाता है, ये ग्राउंड है इसका, जो कैपेसिटर अगर मान लो किसी वजह से शॉर्ट हो गया तो होगा क्या कि ये सप्लाई जो है यहाँ से ग्राउंड हो जाएगी, यानी कि आपका VPH जो है वो पूरी तरह शॉर्ट है। तो ये शॉर्टिंग इस डायोड के जरिए, यानी कि ये शॉर्टिंग आपको डायोड के जरिए, यहाँ पे ये फुल शॉर्ट है लेकिन आपकी बैटरी कनेक्टर पे ये हाफ शॉर्टिंग दिखेगा, यानी कि आप जैसे ही बैटरी का कनेक्टर यहाँ पे लगाओगे, यानी कि आपको उसको DC मशीन से जैसे ही कनेक्ट करोगे तो कुछ एम्पियर वो अपने आप ले लेगा, यहाँ पे कुछ एम्पियर वो अपने आप से यहाँ से ले लेगा, तो आप सोचोगे कि यहाँ पे कुछ शॉर्टिंग है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बैटरी कनेक्टर होते हैं उस पर ही वोल्टेज बढ़ा के देखते हैं कि हीट क्या होता है, तो यहाँ पे हीट होती है ये IC, यहाँ पे हीट क्या होगा, ये वाली IC होगी हीट। क्यों? क्योंकि लोड जो आ रहा है वो इस पे आ रहा है, शॉर्टिंग यहाँ पे है लेकिन लोड आ रहा है इस IC पे। तो अगर ऐसा शॉर्टिंग आपको दिख रहा है तो इसको आपको शॉर्ट को आपको चेक करना है, तो आप डायरेक्ट इस लाइन पे वोल्टेज ना देके आप VPH का लाइन जो बनता है, यानी कि जो आपका PPVCC मेन जो लाइन बनता है उसके ऊपर अगर ये वाली सप्लाई आप दोगे, यानी कि जो आप DC मशीन से डायरेक्ट सप्लाई देते हो ये PPVCC मेन पे दीजिए, तो आपका जो भी कैपेसिटर शॉर्ट है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे हाफ शॉर्टिंग दिख रही है,
मतलब इस लाइन में शॉर्टिंग नहीं है, ये शॉर्टिंग होती है वीपीएथ लाइन में, जो कि डीसी टू डीसी मॉसफेट में से होके आपको थोड़ी बहुत शॉर्टिंग यहाँ पे बैटरी पे दिखती है। तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। और शॉर्टिंग देखते टाइम ये खास ध्यान रखें कि एकदम से ज़्यादा वोल्टेज ना दे। दूसरी चीज़ के शॉर्टिंग का मैं आपको हालांकि इसके बाद में एक वीडियो बना के दे दूंगा आपको कि किस तरह से आपको शॉर्टिंग चेक करना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके शॉर्टिंग के बारे में पूछते हैं कि यहाँ पे शॉर्टिंग है तो मैं इतना पावर दे रहा हूँ फिर भी हीट नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, कोई कंपोनेंट की कैपेसिटी इतनी नहीं होती है कि अगर आप वो शॉर्ट है उसके ऊपर आप हीट दो और वो वहाँ पे रोजिन ना पिघले, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप वहाँ पे गलत वोल्टेज दे रहे हो या गलत जगह पे वोल्टेज दे रहे हो तो ये प्रॉब्लम आपको शो हो सकती है, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ और लाइनें समझने की ज़रूरत है। अभी हमने पावर सप्लाई नहीं समझा है, तो पावर सप्लाई के अंदर कोर की जो लाइनें होती है यानी कि सीपीयू की जो लाइनें होती है उसका इंपेडेंस जो होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि उसका जो अवरोध होता है जिसको हम क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है उसका वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे होते हैं कि जो आपको बजर के साथ मतलब ग्राउंड के साथ आपको बजर शो करेंगे लेकिन वो शॉर्ट नहीं होते। उसको शॉर्ट अगर आपको चेक करना है तो मैं आपको यही तरीका दूंगा कि आप करो, नो डाउट आप बजर पे चेकिंग करो, लेकिन साथ साथ में आप उसको रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस में यानी कि डायोड की रेंज पे चेक करो। सपोज ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर को आप यहाँ पे चेक कर रहे हो, तो इसको सपोज आपने एक प्रॉप को ग्राउंड पे किया, एक प्रॉप को आपने यहाँ पे रखा और इससे आपने चेक किया, पहले यहाँ पे आपने सपोज चेक किया कि आपका यहाँ पे ग्राउंड के साथ बजर बज रहा है, यहाँ भी आपका ग्राउंड के साथ बज रहा है। अब आप उसको डायोड मोड पे चेक करो, तो डायोड मोड पे यहाँ पे दोनों जगह पे आप वैल्यू चेक करो कि यहाँ पे सपोज आपका जो बजर बज रहा है वो 10 वैल्यू दिखा के फिर बज रहा है, सपोज यहाँ पे 10 दिखा रहा है और बजर बज रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे 18 या 20 दिखा रहा है और फिर बजर बज रहा है, यानी कि दोनों के बीच में आपको एक इंपेडेंस देखने को मिलता है, यानी कि एक अवरोध यहाँ पे कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। तो कई बार ये लाइन शॉर्ट नहीं होती है, ये चीज़ें समझनी है। तो आप हर तरह से शॉर्टिंग चेक करो, तो उसको आप डायोड मोड पे बजर मोड पे भी चेक करके आप देखो, तो उसी तरह डायोड मोड पे भी आप इसको चेक करके एक बार देख लीजिए कि इसमें जो इंपेडेंस है वो दोनों तरफ अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। तो कई बार ये चीज़ें शॉर्ट नहीं होती है, लेकिन कुछ लाइनें ऐसी होती है कि जिसका ग्राउंड के साथ इंपेडेंस बहुत कम होता है इसलिए वहाँ पे आपको बजर शो करता है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो शॉर्ट है। तो ये आपको ये समझना ज़रूरी है। हालांकि इसका मैं प्रॉपरली आपको वीडियो बना के आपको इसका चेकिंग करा के बता दूंगा आपको मैं कि इसको कैसे चेक करना है। मैंने कुछ वीडियो बनाए भी है लेकिन इसमें कुछ वॉइस देना बाकी है, बाकी मैंने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं कि जिसके अंदर मैंने उसका वीडियो बनाया है कि किस तरह से हमने शॉर्टिंग को ढूंढा और किस तरह से उस शॉर्टिंग को निकाला और फ़ोन को ऑन किया। तो ये कुछ वीडियो मैंने बना के रखे हैं लेकिन उसमें कुछ थोड़ा एडिटिंग वगैरह, थोड़ा वॉइस देना, ये सब चीज़ बाकी है, क्योंकि थोड़ा वक्त का बहुत मगजमारी हो जाता है कि उतना वक्त नहीं मिल पाता है कि मैं इसमें ज़्यादा ऐड कर सकूं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि धीरे 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 करके मैं आपको दूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन आप पैशन रखना, मैं आपको हर चीज़ दूंगा, क्योंकि अपना कोर्स जो है वो कुछ 15 दिन, महीने में, 2 महीने में ख़त्म होने वाला नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं जो समझने जैसी है, तो जितना मुझे वक्त मिलता जाएगा उतना मैं आपको वीडियो बना बना के दे दूंगा। आप वो वीडियो के देखोगे तो भी आपके बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो उसी तरह से सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ा बहुत आप डायग्राम का नॉलेज ले लो, थोड़ा बहुत आप चेकिंग का नॉलेज ले लो, तो आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, जो मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊँगा। तो फिलहाल इसके अंदर हमने ये सब चीज़ें देखी, तो इसकी बाकी की जो सप्लाई है वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आप इतना पहले अच्छे से समझ लो, यहाँ तक की सप्लाई हमने समझ ली है और इसके बाद की जो सप्लाई है और इसके जो कंट्रोलिंग ट्रिगर है उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। इसको आप अच्छे से एक दो बार देखिएगा और जो नहीं समझ में आता है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, हम इसका जो भी है आपका प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी जो बाकी की पिने हैं तो इसको हम डिस्कशन करेंगे कि इसकी जो बाकी की कंट्रोलिंग पिने हैं वो किस तरह से काम करती है और इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने अब तक नहीं देखी है वो भी हम देख लेंगे। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।